कोई ना बात भाई, अरे विलेज लाइफ में चिल करना पड़ता है यार। भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले ले भैंस के साथ। लग तो यही रहा है यार, फुलेरा लिखा भी हुआ है। नहीं भाई साहब, ये सड़क फुलेरा ही जाती है ना? जाती तो है, लेकिन आपको किधर जाना है? मुझे तो अपने फ्रेंड के पास जाना, अभिषेक, यही पंचायत ऑफिस में काम करता है। ओ, सचिव जी के दोस्त हुए हैं? हाँ, सचिव जी का फ्रेंड हुआ। हम हुए विकास, ऑफिस सहायक। यह प्रहलाद पांडे, गांव के उप प्रधान। अरे नमस्ते, आप लोग के बारे में तो अभिषेक हमेशा बात करता है यार, प्रधान जी के बारे में भी सब जानता हूँ आप लोग के बारे में। सच में? एक्चुअली दिल्ली से कोलकाता जा रहा था, तो सोचा एक दिन का गैप ले लेता हूँ। संडे है ना, आज फ्री होगा, मजे करेंगे हम दोनों। क्या बात है, क्या बात है, ये हमारा दोस्ती। अच्छा अभिषेक सर को फोन लगाते हैं, चाय बना देंगे आपके लिए। अरे नहीं नहीं भाई, सरप्राइज देना यार। सरप्राइज देना मतलब? नहीं समझे, अचानक पहुंचेंगे अभिषेक सर के यहाँ, अब बोलेंगे हे देखो हम आ गए, पीछे प्रकट होंगे। हाँ वही प्रकट, तो यही रास्ता है, यही चले जाइए, सीधा पंचायत ऑफिस जाता है। ठीक है ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से। अच्छा, आप 50 रुपए से ज्यादा मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए ड्राइवर साहब। भाई साहब यार, यहाँ पे तो फुल वाइब है, क्या रोते रहता है यार तू? मुझे आज जॉब मिले, मैं आज ले लूँ यहाँ पे। हाँ बस रात भर बिजली कटती है, बाकी तो फुल वाइब है भाई। अरे क्या दिख गया, सरसों के खेत नहीं दिखाई दे रहे? अबे साल भर थोड़ी होती है सरसों, रबी की फसल है, सिर्फ सर्दियों में होता है। सब पता ना भाई तुझे, कौन सी फसल कब होती है यार, एकदम ग्रास रूट लेवल का आदमी बन गया यार तू। अबे यार तेरी बकचोदी चलती रहेगी, पहले फ्रेश हो ले। ओए हैंडपंप से भरने जा रहा है क्या? हाँ भाई। भाई यार कितने सालों बाद हैंडपंप का पानी पीऊंगा यार। हाँ थोड़ा मीठा मीठा तो लगता है। सुन कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, हैंडपंप तेरा भाई चलाएगा। अरे भाई चला लियो तू हैंडपंप यार, नहीं रोक रहा तू। तू बाल्टी ले ले भाई, मैं बाल्टी भर दूंगा आज, नहा भी लूं क्या उसमें? अबे चल यार, हमेशा एकदम से पकड़ेगा। हाँ चला 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 भाई। गाँव में नल का कनेक्शन नहीं है क्या? नहीं गाँव में तो है, यहाँ अगले साल तक आ जाएगा। चला 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 भाई, लगवा ले यहाँ पे भी। हैंडपंप चलाने का शौक था ना, चला। ओए ओए ये देख, औरतें कुएं से पानी निकाल रही है भाई। अबे क्या कर रहा है, लेडीज लोगों का वीडियो मत बना, पहले खुद तो पिटेगा, मुझे पिटवाए। ओके गॉट इट ब्रो। भाई ये रास्ते हैं भूल भुलैया, तेरे को रास्ते याद कैसे हैं यहाँ के? पहले कंफ्यूज होता था, अभी तो ठीक ठाक याद है। अरे यार मानना पड़ेगा भाई। भाई ये लोग हमें घूर क्यों रहे हैं? हमें नहीं तुझे घूर रहे हैं, नया है ना, नए लोगों को घूरते हैं। अच्छा नए लोगों को। क्या यही है? अच्छा प्रधान जी को तो प्रधान जी बोलूंगा, मंजू देवी को क्या बोलूं? मैं तो मैडम बुलाता हूँ, तू भी मैडम ही बुला दे। बॉस तेरी है, मैडम मैं बोलूं? भाई जो बोलना है बुला दे यार। सिद्धार्थ नाम है वो हम समझ गए, लेकिन पूरा नाम बताइए भाई। प्रधान जी मेरा सर्टिफिकेट में भी केवल सिद्धार्थ ही है। सर्टिफिकेट में सिद्धार्थ? अरे भाई। अच्छा चलिए पिताजी का नाम बताइए। मनोरंजन। अरे भाई देखिए, मनोरंजन गुप्ता प्रधान जी। गुप्ता तो गुप्ता जी हैं आप जी। चले प्रधान जी, बस गद्दा ही लेने आए थे, आप भी आराम तो करो। अच्छा ठीक है बाबा, गद्दा लपेट ही लिए हैं तो चलिए फिर, हमने सोचा थोड़ी देर और बैठते हैं। आप लोग जा रहे हैं, हम चाय चढ़ाने लगे थे। हाँ देखो। अरे नहीं मैडम, चाय तो रहने दीजिए, ऑफिस में ही पी लेंगे, वहाँ दूध बचा हुआ रखा है, खराब हो जाएंगे। अच्छा जी चाय रहने दीजिए। चलिए ठीक है। तो भाई सुनना, मेरी एक फोटो ले ले भैंस के साथ। अरे चलना अभी बाद। यार भाई प्लीज यार, एक फोटो स्टोरी डालूंगा यार। अरे खींच लीजिए खींच लीजिए, रोज रोज गांव थोड़ी आना होता, चलिए खींच लीजिए, खड़े हो जाइए। बस एक फोटो 3-4 एंगल से, ठीक है? ये
एक ऐसे खींचो, एक ऐसे। बहुत सीधा साधा भैंस है भाई। भाई भैंस क्या बीन बजाने वाला? दिल्ली में भैंस नहीं होता क्या? आगे ले क्या मम्मी? अबे तू क्यों अपना मूड खराब कर रहा है? ये तो मेरे ऑफिस का स्ट्रेस से चलता रहता है। तुझे पीना है तो पी ले एक दो बियर। ना मैंने पीना। अबे जा पी ले यार। तू पिएगा तो पी लूँगा। चल ठीक है, एक मैं भी पी लूँगा। ये हुई ना बात भाई। अरे विलेज लाइफ में चिल करना पड़ता है यार, टेंशन हो जाएगी नहीं तो। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, तू मैं और कौन सा सांप था? गांव वाला था, गांव वाला सांप था भाई। ये फोन हाथ में रहिए। बोला किसी को यार, बोला अंदर सो रहा है क्या? मैं सोच रहा था कि आ जाए। ओह क्या साफ आसमान है यार। एक्चुअली मैं बाहर ही सो जाता हूँ, पता नहीं फिर कब आसमान देखते हुए सोने का मौका मिले। ले आ जाए, अब सो जाए यहाँ चुपचाप, बार बार परेशान मत कर। तो खोल के सो जा।